ब्रिज नहीं रहने से सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गेट जो है 24 घंटे में एक दो घंटे ही खुलती है, और इसके वजह से लोगों को या तो इसके नीचे से घुस के जाना पड़ता है बच्चे लोगों को, या तो फिर प्रतीक्षा आप करते रहिए और आपका जो ज़रूरी काम है वो छूट जाता है, और बहुत सी परेशानियाँ होती है, कभी भी दुर्घटनाएँ घट सकती है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं और जो साइकिल से जाते आते हैं उनको निकलने में तकलीफ होती है, और उनके स्कूल में एब्सेंट लग जाता है जिससे बच्चों से मास्टरों से डांट खानी पड़ती है। रेलवे का जो ओवरब्रिज है ये 24 घंटे में दो तीन घंटे ही खुलता है। दिन भर मालगाड़ियों का और जो ट्रेनें हैं यात्री गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, और एक ही रेलवे का हमारे यहाँ ये फाटक है जो जिसमें स्कूली बच्चे, कोटा आने जाने वाले, बसों का आना जाना, बड़ी गाड़ियों का, छोटी गाड़ियों का, खासकर छोटे छोटे जो स्कूल के बच्चे हैं KG1 KG2 क्लास 4 तक 5 तक तो बच्चे हैं जो आते जाते हैं, वो बैरियर बंद रहने के बाद भी साइकिल से निकलते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि ट्रेन आ रही है। इस अवस्था में गाड़ियों से एक्सीडेंट का, दुर्घटना का डर बना रहता है।